सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रसाद फूड व्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं नेरुल की तरफ। एक नई कंपनी लॉन्च हुई है मुंबई में, पी गॉस करके। ये कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिकल बाइक्स बनाती है। तो ऑनलाइन मुझे ये कंपनी के बारे में पता चला, तो मैंने टेस्ट ड्राइव के लिए बुकिंग किया था। सो उनका कॉल आया था कि सैटरडे को आप टेस्ट ड्राइव के लिए आ सकते हो। और ये पहली बार है कि मैं कोई इलेक्ट्रिक बाइक चलाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने कोई इलेक्ट्रिक बाइक चला ही नहीं है। लेट्स सी, नेरुल जाके ही आपको मैं दिखाता हूँ अभी सब। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए यहाँ पे बी गॉस। ये सामने जो खड़ी है वो है उनकी एक स्कूटर। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बट शोरूम शायद से नया है तो अभी तक काम चल रहा है इसका, कंस्ट्रक्शन का। तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग चला रहे हैं इलेक्ट्रिक बी गॉस मोटर। ये गाड़ी का नाम है B8 और अभी मैं फर्स्ट मोड पे चला रहा हूँ। इसका मैक्सिमम स्पीड जो है वो है 50 किलोमीटर्स। और ये गाड़ी का इतने कितने लगे? ये 74,000 बोला, 74,000। हाँ, ऑन रोड। और अभी इसको हम लोग सेकंड मोड में डालते हैं। तो अभी थर्ड मोड, तो डायरेक्टली टॉप मोड पे ही चला के देखते हैं। गाड़ी का नंबर नहीं है तो मैं इसको भगा नहीं सकता। और इसका मैक्सिमम स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर का है। और आगे पीछे दोनों भी डिस्क है, तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। और पिकअप आप देखोगे तो पिकअप काफ़ी फास्ट लेती है, तुरंत गाड़ी खींच जाती है। अरे, सो इसको आपको संभाल के ही चलाना पड़ेगा। अभी मैं थर्ड मोड पे हूँ। और ये इंटरनल रोड पे मैंने अभी इसको 44 पर टच किया है। शायद हाईवे पे जाके ये और भी टच हो सकती है। और आप ज़रा सा भी ब्रेक को हाथ लगाते हो तो गाड़ी का पिकअप जो है पूरा डाउन हो जाता है, एक्सीलेटर छोड़ देती है गाड़ी। तो याद रखना है आपको गाड़ी के ब्रेक्स को हाथ लगाना नहीं है, क्योंकि देखिए ब्रेक्स अगर आप पकड़ रखते हो तो एक्सीलेटर दे के भी गाड़ी नहीं आगे बढ़ेगी। और लेते ही देखिए एक झटके से चालू हो जाती है, ये देखिए। और कोई भी साउंड नहीं है, साउंडलेस गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी। आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आवाज़ नहीं होती, मतलब इवन मोटर का भी आवाज़ नहीं आ रहा है। और काफ़ी अच्छा पिकअप है। पिकअप अच्छा है इसका। मैंने अभी थर्ड मोड पे देखा, 45 तक तो गई इधर से इधर तक, वहाँ पे मेरे को भगाने नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों, राइड तो हमने कर ली इलेक्ट्रिक बाइक की, लेकिन उन्होंने मुझे इसके लिए, मतलब जो वॉक अराउंड करने के लिए मैंने उनसे बात की, तब उन्होंने कहा कि अगर आप गाड़ी परचेस करते हो तो ही वॉक अराउंड कर पाएंगे। तो मैंने सोचा भाई अगर मैं गाड़ी खुद की ख़रीद लेता हूँ तो मैं सीधा रिव्यू ही कर दूँगा। कोई बात नहीं, नई कंपनी है, उनको अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है तो नहीं करने दे।
हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बट स्टिल गाड़ी अच्छी लगी मुझे, उसमें कैपेसिटी है। अगर आप सिटी कम्यूट करते हो लोकली तो रेंज भी काफ़ी अच्छी है, 80 किलोमीटर की रेंज है सिंगल चार्ज में। और उसमें भी दो ऑप्शन आ रहे हैं गाड़ी में, एक तो है आपका लिथियम आयन बैटरी वाला जो महंगा आता है, और दूसरा ऑप्शन है लेड एसिड बैटरी जो अपनी गाड़ियों में लगती है रेगुलर। और अभी जो मैंने चलाई वो लेड एसिड बैटरी वाली ही थी, लिथियम आयन उनके पास अभी तक आई नहीं। दोनों में सिर्फ बैटरी का फ़र्क है, लेकिन फ़िलहाल तो लेड एसिड बैटरी वाली गाड़ी मैंने चला के देखी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। टॉर्क वगैरह काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, पिकअप बहुत ही फास्ट ले रही थी गाड़ी, मतलब तुरंत थ्रोटल ओपन होते ही गाड़ी एक झटके से फटक से उठ जाती है। और सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, आगे पीछे दोनों भी तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं उसमें, और तीन राइडिंग मोड्स मिलते हैं। फर्स्ट मोड पे गाड़ी थोड़ी सी धीरे से हल्के से पिकअप लेती है, बट स्टिल आपको पिकअप लेते वक्त गाड़ी को थ्रोटल बहुत ही संभाल के ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी पेट्रोल गाड़ियों की तरह पिकअप नहीं होता, तुरंत उठ जाती है गाड़ी, सो कंट्रोल के बाहर होने के चांसेस ज़्यादा है। और फॉर अ सेफ्टी उसमें स्टार्ट का बटन दिया हुआ है, क्योंकि आपको गाड़ी चालू है नहीं पता चलेगा तो वहाँ पे रेडी करके एक इंडिकेटर भी आता है गाड़ी के ऊपर लिख के, अगर गाड़ी आप चालू करते हो तो। दूसरी चीज़, अगर गाड़ी का स्टैंड लगा है तो थ्रोटल देने के बाद भी गाड़ी नहीं चलेगी। उसके अलावा ब्रेक में भी सेंसर दिए गए हैं, जिस वजह से अगर आप ब्रेक मारते हो तो थ्रोटल काम नहीं करेगा, मतलब ब्रेकिंग के वक्त सिर्फ ब्रेकिंग काम करेगा। तो कई सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। और रेंज की अगर बात करूँ तो 80 किलोमीटर्स की रेंज है, टॉप स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर्स का है। मैंने उसको एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चलाया, लेकिन उसमें भी गाड़ी 45 तक गई आराम से, फास्ट पिकअप लेती है, तो सिटी कमिट के लिए 50 का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। वैसे भी हम लोग ज़्यादा भगाते नहीं सिटी में, ट्रैफिक कंडीशंस में बहुत आराम से चलाते हैं, तो अच्छी गाड़ी है एक रेगुलर यूज़ के लिए। प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो गाड़ी आपको पड़ेगी 74,000 ऑन रोड, और ये गाड़ी का आपको रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह सब करवाना होगा, क्योंकि इसका स्पीड 50 तक जाता है, सो वो हिसाब से आपको सारे कॉस्ट पड़ेंगे, तो इसके लिए वो गाड़ी आपको 74,000 तक जाती है। उनका दूसरा एक मॉडल भी है A8, ये B8 था जो मैं आपको बता रहा था, A8 भी है। A8 में आपको एक काम करना पड़ेगा कि A8 में आपको स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर का है, और गाड़ी थोड़ी सी छोटी है, और उसमें आपको रेंज जो है वो 110 किलोमीटर की मिलती है, लेकिन 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बहुत ही कम है, तो मेरे हिसाब से B8 मॉडल ही काफ़ी अच्छा है अगर आपको लेना है तो। और 74,000 में काफ़ी अच्छी लगी मुझे गाड़ी चलाने में भी। सस्पेंशन आगे टेलीस्कोपिक है, पीछे स्प्रिंग सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन वाइज भी अच्छी थी, थोड़ा सा रफ रोड था तो वहाँ पे चला के देखा तो सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा स्पीड और होता तो मज़ा आ जाता, बट बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी है तो स्पीड लिमिटेड है 50 का। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी आ रही है, तो मुझे लगता है कि आगे जाके ये सब भी डेवलप होगी। और ये बिगॉज़ कंपनी का सेकेंड शोरूम है मुंबई में, पहले पनवेल में था ऐसे उन्होंने बताया, और ये शोरूम भी हफ्ते भर में फुल फ्लेज चालू हो जाएगा, बुकिंग्स उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। और एक चीज़ जो आपको बताना मैं भूल गया, इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, तो सेफ्टी फीचर्स में रिमोट कंट्रोल लॉक भी आ रहा है जो कंपनी फिटेड ही रहता है, जिसमें की से चालू और बंद करने के साथ साथ आपको रिमोट अनलॉकिंग भी सिस्टम भी देता है। अगर कोई गाड़ी को चुराने की या फिर दूसरी कोई चाबी यूज़ करके चालू करने की कोशिश कर रहा है गाड़ी को, तो रिमोट के अलावा वो चालू नहीं होगी, बीप करना चालू कर देती गाड़ी तुरंत ही। मतलब आपको भी अगर चालू करनी है तो आपको पहले गाड़ी को रिमोट से अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद चाबी लगानी होगी। सो ये भी एक अच्छा और एड ऑन फीचर लगा। बाकी टेल लाइट, हेडलाइट, इंडिकेटर सब LED यूनिट है। अभी उसका थ्रो कैसे है वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ब्राइट सनलाइट था, बट LED का
ब्रेक लाइट का जो इफेक्टिव था, इफेक्टिवनेस जो मुझे अच्छा लगा, और टेल लाइट का भी, साथ ही में इसमें हज़ार लाइट भी दी हुई है। सो काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स ये है। थोड़ा स्पीड के बारे में मुझे थोड़ी सी कम लगी, और टायर साइज़ छोटा है, वो भी गाड़ी छोटी है इसके वजह से, और मेरे साइज़ के हिसाब से गाड़ी मुझे छोटी लगी। सो दैट्स इट दोस्तों, बिग बॉस के बारे में इतना ही। अगर वो लोग मुझे दे देते वॉक अराउंड वगैरह करने के लिए, तो मैं आपको ज़रूर बता देता वो गाड़ी के बारे में, बट फिलहाल तो वॉक अराउंड नहीं कर पाया मैं। सो बिगॉस वाले वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगली बाइक के साथ। तब तक के लिए दिस इज़ प्रसाद साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ़।